Hey friends, welcome to my channel. My name is Soumya Rawat. ये लगा दी मैंने अक्षर मेरी मेहंदी. पर हम कहाँ जा रहे हैं? सो देखो रास्ता. ये देखिए ये पुल जो कि अभी थोड़ा सा बन भी रहा है. और ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है. ग्रीन ग्रीन नेचर, ब्लू एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा लग रहा है. और ये देखिए हम बैठे हुए हैं. मेरे पूरे बाल खराब हो चुके हैं क्योंकि बहुत तेज़ हवा चल रही थी. और ये देखिए हम जा रहे हैं कार से. तो मेरे को लगा कि नीचे बहुत अच्छा लग रहा है तो मैं आपको रास्ता भी दिखा दूँ. वो है चंडी माता जिसकी मैंने आपको भी वीडियो दिखाई. सो यहाँ पे था कुछ ट्रैफिक भी था यहाँ पे. और ये देखिए कितनी सारी कार पार्क हो रखी हैं. और यहाँ पे कुछ लोग बैठे भी हुए हैं और ऑटोज़ भी हैं. यहाँ पे कार्स भी लगी हुई हैं बहुत सारी. ये देखिए ये है टेम्पल. बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था तो मेरे को लगा कि मैं वीडियो बना लेती हूँ. और ये देखिए काफ़ी सारे स्टॉल्स भी लगे थे इधर क्योंकि यहाँ पे है चंडी माता का जाने का रास्ता. ये ट्रॉली से जाता है वहाँ पे, तो ये वही रास्ता है. और ये मैंने किया उनको नमस्ते. और ये देखिए ये मैं बैठ गई हूँ और मेरे को भूख लगी थी तो मैंने खा लिया थोड़े से कुरकुरे. और ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है. मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था. मेरा मन कर रहा था कि मैं यहीं पर कार रुकूँ और यहीं रह लूँ. बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था ये मौसम यहाँ का. और ये देखिए ये गंगा माता का, आपको देख के समझ रहे हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं. सो हम जा रहे हैं हरिद्वार. सो मैं अपनी जा रही हूँ मौसी के घर में. तो ये गंगा देखो कितनी प्यारी लग रही है. और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक लग गया था ये देखिए. और गंगा भी कितनी प्यारी लग रही है. ये देखिए जो हमारे आगे कार जा रही है ना, कि जन्मभूमि बोल रही थी. ये देखिए यहाँ पे किनारे पर बोर्ड भी लगा है हरिद्वार जाने का. सो हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था. और यहाँ पर देखिए ड्राइंग भी थी बहुत अच्छी अच्छी. और ये साधु टेम्पल्स, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री ये सब बना रखे थे. काफ़ी ज़्यादा प्यारे लग रहे थे. सो अब हम जा रहे हैं. ये देखिए काफ़ी सारे स्टॉल्स भी लगे थे रोड पर. देखिए टेडी बियर्स कितने प्यारे लग रहे हैं. और ये देखिए ये हम जा रहे हैं आगे. यहाँ पर कुछ काम था इसलिए पहले हम वो काम कम्प्लीट करेंगे और फिर जाएंगे मौसी के घर क्योंकि ये भी उसी रास्ते में पड़ता है. सो ये देखिए ये हम जा रहे हैं वहीं. और ये मम्मा पापा और शामू मेरा भाई बैठे हुए हैं. और ये देखिए हमने टर्न करी है कार. और ये कितना प्यारा सा लग रहा है. और ये देखिए हनुमान जी कैसे झूल रहे हैं. ये देखो हमारा प्यारा सा इंडिया का फ्लैग. ये देखिए यहाँ पे कितने सारे राखी के स्टॉल्स लगे हुए थे. हर जगह पे जहाँ भी देखो राखी के स्टॉल्स लगे हुए थे. तो ये रास्ता मतलब पहुँचने वाले थे उनके घर में, तो बस हम पहुँचने वाले हैं. और ये देखिए कितने सारे हाउसेस एंड उनके सामने काफ़ी ट्रीज़ भी लगे थे तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था देख के कि ट्रीज़ भी यहाँ पे काफ़ी सारे. और ये देखिए कटिंग कितनी प्यारी लग रही है. और ये हमने लिया एक टर्न. और ये ऑरेंज वाला जो घर दिख रहा है आपको, यही है मेरी मौसी का घर. सो ये देखिए ये रहा ये उनके घर का गेट. सो हमने करी कार पार्क. अभी पापा कर रहे हैं. फिर मैंने खोला गेट कार का. एंड देन ये मेरा भाई तो पहले ही भाग गया. बोलता है चुप हो जाओ, हम उनको सरप्राइज़ देंगे. मैंने कहा कि उसको उनको तो पता ही है. फिर हम पहुंच गए थे अंदर. और ये देखिए छोटा सा एक्वेरियम. तो ये मैं हो गई थी तैयार. रात को मैंने कहा घर के कपड़े पहन लिए थे. और ये देखिए ये मेरी फ़ोटो शूट. तो ये देखिए कितनी प्यारी प्यारी फिशेस थी यहाँ पर. काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही थी ये देखिए. और रात को बनी थी पनीर और बने थे छोले. और मम्मा बना रही थी रोटी यहाँ पर ये देखिए. और ये नाना दादा ये सब टीवी देखते देखते खाना खा रहे थे. फिर हम देख रहे थे पुष्पा इम्पॉसिबल. सो ये मैं सुबह हो गई थी रेडी राखी बांधने के लिए. सो चलो चलते हैं. अरे ये दोनों तो देखिए फ़ोन में गेम खेल रहे हैं. तो हमने राखी बांध ली. मेरे भाई ने दिया कप मेरी बहन को, बड़ी वाली को. और ये जो था ये जो फ़ोन देख रही है इसको दिया कुको मेरी बहन को. और ये सब यहाँ पे बैठ के खा रहे थे नाश्ता. और ये फिशेज उनको देख रही थी कि हमें भी कोई खाना दे दो. और किसी को इसके अंदर महादेव दिख रहे हैं, मुझे तो दिख गए हैं. ये पीछे मेरी प्यारी सी नानी कपड़े फोल्ड कर रही हैं. तो सुबह ये देखिए मैं भी चलेगी बाहर. और ये छोटा सा पिज्ज़ा हाँ घेवर है ये. सो ये देखिए आपको पीछे से परी की आवाज़ आ रही होगी, इसको इग्नोर करो. सो चलो चलते हैं बाहर. सो ये देखिए कितनी प्यारी सी धूप आ रखी थी. काफ़ी अच्छा मौसम भी हो रखा था. ये देखिए कितना प्यारा लग रहा था. और फिर मैं आ गई बाहर. ये देखिए इनका खिलौनों का ढेर. और ये दादी अंदर सो रखी थी इसलिए मैंने उनको डिस्टर्ब नहीं करा. इस साइड पे चल रही थी इनकी गपशप. नानी, मामा, मौसा सब बैठे हुए थे. और फिर मौसी बना रही थी मेरी बहन के बाल.
ये रहा उसका प्यारा सा रैबिट, वो मेरे को हाथ भी नहीं लगाने दे रही थी, कह रही थी मेरा है। और ये बैठी है कुकी डॉल, और ये हम बैठे हुए हैं कार में, और मैं फिर से मेहंदी दिखा रही हूँ अपनी। ये वीडियो शायद रिपीट हो गई थी, सो उसके लिए सॉरी। सो ये वही वीडियो है जो मैंने हटा दी थी, बट ये रिपीट हो गई है। ये है वहाँ की वीडियो। सो हमको लगा कि क्यों ना घर में बैठे बैठे करेंगे क्या, तो हमको लगा चलते हैं पेंटागन मॉल। और फिर हमने ये देखिए, देखिए बंदर बंदर कैसे कूद रहा है, और यहाँ पे प्लांट्स भी रखे हुए थे, ये देखिए कैसे जा रहा है। सो दादा काट रहे थे अमरूद यानी कि गुआवा, और ये फांसी चढ़ गई है रैबिट को। सो चलिए हम मतलब सोच रहे थे पेंटागन मॉल जाके घूम के आ जाते हैं, क्योंकि कुहू सबके सब बोल रहे थे चलते हैं, तो चलो चलते हैं। सो हमने निकाली कार और फिर चल पड़े पेंटागन मॉल के लिए। पेंटागन मॉल का एक पहला व्लॉग भी आया था, तो जिसने नहीं देखा वो मेरी चैनल पर जाके देख लो। सो ये नाना, मेरा भाई, नानी, मम्मा, कुहू सब बैठे हुए थे, पापा भी, पापा तो ऑफकोर्स होंगे क्योंकि बाकी कार कौन चलाएगा। सो देखिए, ये देखिए हॉर्स, यहाँ पे टू हॉर्स खड़े हुए थे, देखिए एक वाइट था और एक ब्राउन कलर का था। सो चलो हम चलते हैं। टिनिंग 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 टिनिंग। सो मैं अपने आप ही गाना बना रही हूँ, वरना कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। टिनिंग 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 टिनिंग। सो यहाँ पे लगती है पीट यानी कि छोटा सा मार्केट। सो ये देखिए यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा ट्रीज थे, मतलब यहाँ पे ना हरिद्वार को मतलब बोले ही जाता है हरी का द्वार, यानी कि यहाँ पे ट्रीज होते हैं। ये मैंने क्या बोल दिया, आई एम सॉरी। सो ये देखिए हम जा रहे हैं, ये देखिए आ गए हम पेंटागन मॉल। ये देखिए कितना मतलब काफ़ी प्यारा सा लग रहा है। सो चलिए अब हम लेंगे पहले एक टर्न, उसके बाद जाएंगे पेंटागन मॉल। चलिए चलते हैं। टिनिंग 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 टो 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 टो। सो चलो टर्न लो पापा टर्न लो। सो ये आ गया पार्किंग का साइन। सो फोर व्हीलर्स के लिए था यहाँ पे 50 रुपीज़ का चार्ज। सो यहाँ से फिर हम गए वही अंधेरी सी दुनिया में। 1, 2 and 3 एंड ये हम घुस गए वो अंधेरी सी दुनिया में। यहाँ पे किसी को हॉरर वीडियो शूट करनी हो तो वो आ सकता है। आज तो यहाँ पे लाइट लगी हुई थी, मगर उस दिन लाइट नहीं लगी थी तो बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रखा था, बट अब यहाँ पे लाइट लग गई तो थोड़ा सही हो गया है। ये देखिए, सो ये पार्किंग था, तो हम चले गए पार्किंग में, लगाई कार पार्क में। चलिए ढूंढते पहले कार के लिए पार्किंग। कहाँ पे लगाएं? सो मिल गई पार्किंग हमें, यहाँ पे हमने लगा दी अपनी कार। और फिर मैं उतर गई, ये मेरा भाई नाच रहा है और मेरी बहन भी नाच रही है, उसने अपना रैबिट आज अभी तक छोड़ा नहीं है, दोनों के दोनों नाच रहे। देखिए कितना हॉरर लग रहा है। सो सब उतर गए कार से, मौसी, मामा और मेरी बड़ी बहन आ रहे हैं स्कूटी से, और ये लोग भाग रहे हैं क्योंकि एक कार में ज़्यादा आ नहीं सकते थे। फिर हम गए, देखिए आगे आगे जा रहे थे, मटकते मटकते क्योंकि लिफ्ट और स्टेयर्स थे आगे ऊपर जाने के लिए। सो चलो चलते हैं। ये देखो मेरा स्टाइल, तो ये देखिए ये था मिनी सोल। तो हम चले गए लिफ्ट के अंदर, ये देखिए। तो अब हम आ गए हैं सेकंड या थर्ड फ्लोर में आ गए हम। सो ये देखिए यहाँ पे ज़्यादा कुछ तो नहीं था, मतलब शॉप उन्होंने कहा था कि 11 बजे खुलेंगी, तो जब हम गए थे तो उस समय 10:30 हो रहे थे। ये मेरे पापा, मेरी बहन, ये हम सब ऐसे घूम रहे हैं, उनका वेट कर रहे हैं क्योंकि मम्मा और को और नानी और को लिफ्ट से डर लगता है, तो उन्होंने कहा हम स्टेयर से आएंगे। फिर उन्होंने हमें कॉल करा, उन्होंने कहा सेकंड फ्लोर में आ जाओ, हम थर्ड में थे तो हम जा रहे हैं सेकंड फ्लोर में, और उनको लगता है बहुत डर इसलिए वो नीचे ही, तो हम उनका वेट कर रहे हैं। चलिए चलते हैं। सो ये हम आ गए नीचे। और ये देखिए कितने प्यारा लग रहा है लाइटिंग यहाँ पर, ये देखिए पुइंग। अब हमने देखा तो ये ऊपर खड़े हो रखे थे, चलिए ऊपर ही चल लेते। सो ये लोग हमें मिल गए, अब मामा और भी आने वाले हैं। अभी हुआ था टाइम 10:42 और जो ये जो पेंटागन मॉल है ये खुलेगा 11 बजे। बच्चे खेल रहे थे यहाँ पे, हमने कहा तुम खेल लो करोगे क्या यहाँ पे। सो देखो बंची जंपिंग, कौन कौन जा रहा है जाओ। ये रहा बहुत सारे मतलब काफ़ी ज़्यादा शॉप्स भी थी यहाँ पे। फिर हम चलते गए चलते गए, फिर हम मतलब पूरा घूम ही रहे थे कि क्योंकि अभी तो खुल नहीं रहा था, अभी उन्होंने कहा था 11 बजे खुलेगा। और ये देखिए मेरी बहन और मामा और भी आ गए थे, कि छोटी सी पांडा ट्रेन में कौन कौन जा रहा है, मैकडोनल्ड्स में कौन कौन जा रहा है। सो ये देखिए ट्रेन,
छोटा सा बेबी चला रहा है। सो देखिए, ये तो हम सब जा रहे थे, ये मेरी बहन है, चलो। और ये आइसक्रीम स्टॉल। सो यहाँ पे लाइटिंग काफ़ी प्यारी लग रही थी, 11 o'clock हो चुके थे। सो यहाँ पे बुल का भी खुल गया था, आइसक्रीम शॉप भी खुल गई थी, और मतलब काफ़ी कुछ खुल गया था यहाँ पे। तो हमने कहा चलो थोड़ा घूम लेते हैं। तो हमको दिखा ट्रेंड्स, सो हमने सोचा कि चलो ट्रेंड्स में चलते हैं, कुछ शॉपिंग वगैरह कर लेंगे। बट जब हम अंदर गए तो वो अभी क्लोज्ड हो रखा था। उन्होंने कहा ये भी थोड़े टाइम बाद खुल जाएगा। तो हम फिर वहाँ पे बैठ के वेट करने लग गए और कूजित करने लग गई कि मुझे एरोप्लेन में या कार में जाना है। फिर मौसी मना कर रही थी, लेकिन मामा उन्हें लेके चले गए। सो देखिए, ये देखिए हम चले गए थे ऊपर घूमने, तो ये हमने नीचे देखा ये चला रहे थे कार। इन भाई, इनको तो कार जहाँ दिख जाए चले जाएंगे। सो ये देखिए, हम सब लोग यहाँ पे ऐसे घूम रहते हैं। यहाँ पे कुछ स्पा वगैरह थे, लाइटिंग भी काफ़ी अच्छी कर रखी थी, बट अभी शॉप इतनी सी मतलब इतनी सारी खुली नहीं थी यहाँ पे। और यहाँ पे थिएटर भी बंद हो चुका था, हॉरर भी बंद हो चुका था, सब कुछ मतलब लगभग बंद ही हो चुका था यहाँ पे। सो ये देखिए, बस हम घूमे जा रहे थे। अरे फिर हम वहीं आ गए जहाँ पे पहले थे। सो ये देखिए, वहीं आ गए जहाँ पे क्रिकेट कोर्ट था प्रैक्टिस करने के लिए। सो चलिए चलते हैं आगे, क्या करेंगे यहाँ पे। चलो टिन 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 एरोप्लेन सी। और ये देखो, ये पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं सबके सब। ये हम एक्सेलेटर से चल रहे हैं नीचे, पापा और मैं जा रहे हैं। पापा ने बोला थोड़ी देर ऊपर घूम के आ जाएंगे, तो मैंने कहा चलो। और फिर हम जाते हैं एक्सेलेटर से नीचे। और ये देखो, 1, 2 and 3। सो देखो मेरा मैजिक। सो ये ट्रेंड्स का मॉल फिर खुल गया था, तो हम चले गए थे इसके अंदर। हमने कहा थोड़ी सी कर लेते हैं शॉपिंग। तो ये देखिए, काफ़ी कुछ था यहाँ पे, बट जो वहाँ की सिक्योरिटी थी उन्होंने कहा कि यहाँ पे कैमरा वगैरह अलाउड नहीं है। सो मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई। सो मैं दिखा दूँगी कि मैंने क्या क्या रिकॉर्ड किया। सो पार्ट 2 के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो।